Hello guys, how are you today? I hope that everyone is fine and I am also fine guys. उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी लाइफ की जर्नी को, चाहे वो एजुकेशनल हो या सोशल लाइफ, उसको अच्छे से आप इन्जॉय कर रहे होंगे। तो गाइज, आज ये वीडियो बनाने का जो पर्पज़ है, एम है, यू कैन से दैट वॉट इज़ द पर्पज़ टू डिज़ाइन टू क्रिएट दिस वीडियो इज़ दैट, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है, एक टाइटल है जो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स को पर्टिकुलरली काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रखता है कि हाउ टू मैनेज टाइम, टाइम को कैसे मैनेज करें। और मुझे ये काफ़ी फनी लगता है कि हाउ टू मैनेज टाइम, ये ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि हम टाइम कैसे मैनेज करें, क्योंकि टाइम तो सबके लिए इक्वल होता है या फिर टाइम सबके लिए इंडिविजुअल होता है। तो यूनिवर्सली बात करें तो टाइम सबके लिए यूनिवर्सल ही है, यानी कि एक ही होता है, टाइम इंडिविजुअल नहीं है। टाइम टेबल इंडिविजुअल है लेकिन 24 आवर्स सबके लिए इक्वल है। तो वही 24 आवर्स तो मिलते हैं एक, जो यू कैन से दैट ह्यूज सक्सेसफुल पर्सन को, जो आज बहुत ही सफल है और जिससे आप इंस्पायर होते हो और जिसके टाइम टेबल, जिसकी वर्किंग प्रोसेस और जिसके प्रोफेशन में जो सक्सेस के जो टर्म्स हैं, जो भी पॉइंट्स हैं या फिर जो उसकी जर्नी है, जिसको कॉपी करने की आप कोशिश करते हो। और वही 24 आवर्स हम सिंपल, यूजुअल, नॉर्मल, ऑर्डिनरी पीपल को मिलते हैं। देखिए, ऑर्डिनरी पीपल तो वो भी हैं। एक सफलता ये नहीं तय करती कि वो कुछ सुपर, यू कैन से दैट पर्टिकुलर या फिर एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ पीपल है, ऐसा कुछ नहीं है, वो भी सब कॉमन मैन ही है। हाँ, उनको यू कैन से दैट फेट जिसको आप बोलते हो, डेस्टिनी जिसको आप बोलते हो, हालांकि फेट हो या डेस्टिनी हो, सब आपके एक्शन पर डिपेंड करता है। ये जो कर्म है, ये जो भाग्य है, ये फॉर्चून है, लक है, ऐसा गाइज आई थिंक दैट कुछ नहीं होता है। ये कर्म, डेस्टिनी, फॉर्चून सब बनाना पड़ता है। जितनी आप एफर्ट्स लगाते हो, जितनी पॉजिटिविटी के साथ जिस डायरेक्शन में आप फोकस्ड होते हो, तो उसमें सक्सीड करना कोई बड़ी बात नहीं होता है। और सफल हो जाते हैं तो हमको लगता है कि ये यू कैन से दैट इसका लक ने बहुत अधिक इसको कॉपरेट किया है, ये काफ़ी फॉर्चुनेट है कि यू कैन से दैट गॉड का जो ब्लेस इस पर है, ये विद इन टाइम ये चीज़ को अचीव किया है, तो हम भी एफर्ट्स कर रहे हैं, हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वॉट इज़ द प्रॉब्लम एंड दिस पर्सन इज़ यू कैन से दैट वेरी डिफरेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन। ऐसा कुछ नहीं है, सभी जीनियस हैं, सभी टैलेंट से भरे हुए हैं। प्रोवाइडेड प्रॉब्लम ये है कि हमारी यूटिलिटी, हमारा फोकस, हमारा इंटेंशन, हमारी डिज़ायर, हमारा वर्किंग प्रोसेस, हमारा सर्कल, हमारा एटमॉस्फेयर, ये सब चीज़ें और जिस बैकग्राउंड से हम आते हैं, जिस परिवेश से हम आते हैं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंस रखते हैं अपने आप में कि हम कितना सफल होंगे। हम कैसे माहौल से आते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर माहौल ही ऐसा है जहाँ पर सफल लोग हैं ही नहीं, या लोग निगेटिव हैं, या आपको यूजुअली वो टाइमली आपको डिमोटिवेट करते हैं, डिमोरलाइज करते हैं, तो आप भूल जाइए कि आप सफल हो जाओगे। हाँ, वहाँ सफल हो भी सकते हैं, एक्सेप्शनल केस है। यदि आप बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न है, बहुत ही ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ काम करने वाले हैं, या स्ट्रॉन्ग आपकी डिज़ायर है, यू कैन से दैट बर्निंग डिज़ायर आप में है, तो फिर आप निगेटिविटी के सराउंडिंग में रहकर भी अपना आपको सफल बना सकते हो। ये तो एक एक्सेप्शनल केस की बात हुई ना। तो हाउ टू मैनेज टाइम की बात है, वही 24 घंटे सबको बराबर मिलते हैं। प्रॉब्लम है यूटिलिटी का, मैनेज करने का। अब आप बोलते हो कि सर कैसे मैनेज करें टाइम को, टाइम कैसे मैनेज किया जाए। ये कुछ भी नहीं है गाइज, ये एक फ्रेज है। हाउ टू मैनेज टाइम ये एक फ्रेज है, इसका कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। टाइम के आर सबके लिए बराबर है लेकिन यूटिलिटी ऑफ टाइम सबके लिए इंडिविजुअल है। देखिए, जो बड़े लेवल के एग्जाम देते हैं या फिर काफ़ी सफल इंसान हैं, तो उन्हीं उसी टाइम को, उन्हीं डे आर्स को यूज़ करके, यूटिलाइज़ करके वो अपनी लाइफ में सफल हुए हैं। उन्होंने किस तरीके से उस टाइम को यूज़ किया, आप किस तरीके से अपने टाइम को यूज़ करोगे, यहाँ डिफरेंस हो सकता है। आप दोनों के, एक सफल इंसान यू कैन से दैट जो स्ट्रगल को पार कर चुका है, और एक स्ट्रगलिंग इंसान, एक तो जिसने स्ट्रगल पर ओवरकम पा लिया है, यानी कि जो उसने डिसाइड किया था वो अचीव कर लिया वो इंसान, और दूसरा जो स्ट्रगलिंग इंसान है, दोनों के जो टाइम टेबल होते हैं, वर्किंग प्रोसेस के जो टाइम टेबल होते हैं, जो उनकी दिनचर्या होती है, वो डिफरेंट होता है। बाकी टाइम किसी के साथ कोई पार्शलिटी गाइज नहीं करता, टाइम इक्वल है, यूटिलिटी और टाइम टेबल अलग है, और हम किसी का टाइम टेबल फॉलो नहीं कर सकते। उस व्यक्ति की लर्निंग एबिलिटी, वर्किंग प्रोसेस और रिटेनिंग कैपेसिटी और विद इन टाइम चीज़ों को सॉल्व करना, अंडरस्टैंड करना, वो चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है।
और हमारी लर्निंग एबिलिटी कैपेसिटी अलग है, तो जरूरी नहीं है कि वो 10 आवर्स में चीज़ों को कवर करता है तो हम भी 10 आवर्स ही लगाएंगे। हो सकता है कि वो चीज़ों को जो तरीका उसका लर्न करने का था वो डिफरेंट रहा हो, जिस उसको टाइम ज़्यादा लगा हो, इसलिए हम व्यक्ति की क्वालिटी, व्यक्ति की सफलता को देखकर उसके टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर सकते गाइज। हम सिर्फ उस व्यक्ति से ये सीख सकते हैं कि इसने कितना कंस्टेंटली वर्क किया है और किस पॉजिटिविटी के साथ काम किया है, इसकी लाइफ में ऐसी क्या चीज़ थी जिससे ये रूटीन में, रेगुलरिटी में, अनइंटरप्टली ये इंस्पायर होता रहा, जिसमें कंटिन्यूअल, यू कैन से दैट कंस्टेंटली वर्किंग करने का जो इसका हैबिट है, जो पोटेंशियल है, वो सस्टेन रहा, वो ऐसा क्या पॉजिटिविटी इसके पास है, या उसकी जो एक सक्सेस की जर्नी है उसको इन्जॉय कर सकते हैं, उससे हम कुछ समय के लिए इंस्पायर हो सकते हैं। देखिए, इंस्पिरेशन तो वैसे लॉन्ग लास्टिंग होता है, ये तो लंबा चलता है, एवर लास्टिंग होता है, इसको आप यूँ नहीं कह सकते कि ये मोमेंट्री होता है। आप उसकी लाइफ से मोटिवेट होते हो तो आप एक शॉर्ट टाइम के लिए मोटिवेट होते हो, और यदि आप इंस्पायर होते हो तो डेफिनेटली आप इंटरनली इम्प्रेस होते हो। जब आप किसी की लाइफ, किसी की सफल लाइफ से इंस्पायर होते हो तो समझ लीजिए कि आपने उसको अपना आइडियल बना लिया है, और अब आप सफल, आपकी सफलता तय है, क्योंकि आप उसके जैसा बनना चाहते हो, या उसके जैसा नहीं बनना चाहते हो तो उसकी तरह सफल होना चाहते हो, अपने फील्ड में उसकी तरह सफल होना चाहते हो। किसी के जैसा हम बन भी नहीं सकते गाइज, ये तो एक इल्यूजन है, कन्फ्यूजन है, हम किसी दूसरे के जैसा नहीं बन सकते, हम सिर्फ अपने जैसा ही बन सकते हैं, अपने लेवल ऑफ इंटरेस्ट में बन सकते हैं। हम सिर्फ उस व्यक्ति को एक माध्यम बना लेते हैं कि ये व्यक्ति सफल हुआ है तो मैं क्यों नहीं, इफ दिस पर्सन कैन गेट सक्सेस देन वाई नॉट आई, मैं क्यों नहीं प्राप्त कर सकता, तो सिर्फ हम उसको मीडियम बना सकते हैं, बाकी सफलता हम अपने तरीके से, अपने एक क्राइटेरिया में लेते हैं। तो टाइम कैसे मैनेज करें, इस बात को तो भूल जाइए आप, टाइम टेबल सबका अलग होता है और इसको सिर्फ आप मैनेज कर सकते हो। यू कैन मैनेज योर टाइम ओनली, नो वन कैन हेल्प इन दिस प्रोसेस हाउ टू मैनेज टाइम, इट इज़ ओनली एन एक्सक्यूज हाउ टू मैनेज टाइम। व्हेन वी से अगेन एंड अगेन, सर हाउ कैन वी मैनेज आवर टाइम, देन आई कंसिडर इट ओनली एन एक्सक्यूज, डोंट फील बैड, ओके। क्योंकि डूअर है हम अपने काम के सब्जेक्ट हैं, करता है उस काम को करने वाले, तो हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं टाइम को कैसे मैनेज करें। किसी भी काम को करने के पीछे दो वजह होती हैं, एक डिज़ायर होता है, एक नीड होता है। यदि आप नीड में काम कर रहे हो तो आप एक फोर्स में काम कर रहे हो, काम तो कर रहे हो लेकिन फोर्स में कर रहे हो। इंसान को चाहत और ज़रूरत चलाती है, तो नीड में यदि काम कर रहे हो तो डेफिनेटली आप पर प्रेशर है, और आप उस टाइम पर काम कर रहे हो जब आपके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं बचा है। काम तो उस समय कर लोगे आप, लेकिन एक हैप्पीनेस के साथ नहीं कर पाओगे, अंडर स्ट्रेस, प्रेशर कर पाओगे। जिस काम को आप इंटेंशनली नहीं करना चाहते लेकिन मजबूरन आपको करना पड़ता है, सर्वाइवल के लिए कोई भी आप प्रोफेशन को अडॉप्ट करते हो उसमें आप कंफर्ट नहीं हो लेकिन आपको करना पड़ता है क्योंकि नीड है उस चीज़ की। दूसरा होता है डिज़ायर के साथ। यदि आप डिज़ायरस हो उस चीज़ के लिए, मुझे ये काम करना लाइफ में, आप में इंटेंशन है, एक्सट्रीम लेवल का इंटेंशन है, तो आप उस जो प्रोफेशन को इन्जॉय भी करोगे उसकी जर्नी को, और प्रॉफिट भी आपको मिलेगा। तो गाइज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि अगर आप में डिज़ायर है या नीड है उस काम के प्रति, अपनी एजुकेशन के प्रति, अपने स्कोर के प्रति, अपने फ्यूचर के प्रति, या फिर जो भी नीट, जेई या एनडीए या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप क्वालिफाई करते हो, तो फिर आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं है हाउ टू मैनेज टाइम, टाइम खुद मैनेज हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी आपको कहीं जाना होता है, कोई ओकेजन होता है, कोई इवेंट है, एपिसोड है, ठीक है, जहाँ आपको अपनी प्रेजेंस दिखानी पड़ती है या अपनी फैमिली के साथ जाना पड़ता है, तो आप कितने बिजी क्यों ना हो, कितना ही लाइफ का स्केड्यूल कितना ही आपका बिजी क्यों ना हो, तो आप टाइम मैनेज कर लेते हो, क्योंकि उसको आपने प्रेफरेंस दी है। जिस चीज़ को आप लाइफ में प्रेफरेंस देते हो वो चीज़ आपको मिल जाती है, क्योंकि आप इंटरनली उस चीज़ के प्रति कीन, आप में जो डिज़ायर है वो यू कैन से दैट एक्टिव हो रही है। तो जब इंसान सोल स्प्रिट के पार्ट पर किस चीज़ को पाने के लिए एक प्रकार से स्टबर्न हो जाता है, तो वो चीज़ मिल जाती है। तो आपने टाइम मैनेज कर लेते हो, आप कितने ही बिजी क्यों ना हो, टाइम निकाल कर आप उस इवेंट को इन्जॉय करते हो, वहाँ अपनी प्रेजेंस दिखाते हो और वहाँ के लिए विजिट करते हो। तो जब पढ़ाई की बात आती है तो आप कहते हो सर टाइम कैसे मैनेज करें, टाइम हो तो मैनेज करें, सारा टाइम आपका है, कोई आपसे टाइम छीनता नहीं है। वो उस टाइम को आप अपनी लर्निंग एबिलिटी, अपनी कैपेसिटी, अपनी स्टेमिना, अपनी पोटेंशियल के हिसाब से डिज़ाइन करो ना। कोई पेरेंट्स किसी को ये नहीं बोलता है कि आपको मैं पढ़ने नहीं दूंगा, या फिर आप पढ़ाई की जगह आप इस वर्क प्रोसेस को इम्पोर्टेंस दो, पढ़ाई को इग्नोर कर दो या अवॉइड कर दो। आई डोंट थिंक देर इज़ नॉट अ सिंगल पर्सन दैट विल से यू कि प्लीज़ अवॉइड यूर लर्निंग,
अवॉइड योर एजुकेशनल प्रोसेस एंड प्लीज़ इंडल्ज इन दिस डोमेस्टिक वर्क. पेरेंट्स हमेशा यही बोलते हैं कि डोमेस्टिक वर्क्स को हम सॉल्व करेंगे, आप अपना एजुकेशनल वर्क कीजिएगा. तो फिर टाइम ही टाइम आपके पास कब नहीं है, टाइम बताइए. स्टूडेंट लाइफ में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती नहीं है, कोई बैरियर होता नहीं है, कोई स्टॉपेज नहीं होते हैं, कोई एक्स्ट्रा टेंशन नहीं होता है, बर्डन नहीं होता है, तो फिर टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम आता कहाँ है? टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम गाइज आता कहाँ, मुझे समझ नहीं आता है. तो जैसे कि आप 5 o'clock फ्री होते हो, मान के चलिए कि आप जहाँ भी पढ़ रहे हो, स्कूल से है या एकेडमी से है या कॉम्पिटेटिव जो कोचिंग सेंटर वहाँ से है, तो आप घर जाने के जब भी आप फ्री होते हो, तो पहले तो आप अपना रिटर्न का काम देखिए कि मुझे रिटर्न में जो असाइनमेंट मिला है या होमवर्क मिला है उसको मैं कितने घंटे में कंप्लीट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो उसके हिसाब से. और यदि रियली आप कुछ एडिशनल करना चाहते हो लर्निंग में, होमवर्क से काम नहीं चलेगा. होमवर्क तो सिर्फ आपका एक यू कैन से दैट जो डे वर्क होता है उसका एक एक्सपेरिमेंट होता है, एक एग्जामिन होता है कि आप जो हमने पढ़ा है उस पर कितना अच्छे से काम करते हो, कितना उसको समझ आता है. उसके अतिरिक्त एडिशनल वर्क करना होता है. एडिशनल वर्क के लिए आप जो पूछ रहे हैं ना कि हाउ टू मैनेज टाइम, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है, ये हाउ टू मैनेज टाइम आपका सिर्फ उस चीज़ के लिए है कि सर हम एडिशनल टाइम कैसे निकालें, एडिशनल लर्निंग के लिए टाइम कैसे निकालें. होमवर्क तो आपका हो जाता है. तो यदि आप रियली एडिशनल अपनी लर्निंग करना चाहते हो, तो फिर आपको अपना जो असाइंड वर्क आपको मिलता है, होमवर्क मिलता है, उसको विद इन टाइम अपनी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ाओ, अपनी राइटिंग कैपेसिटी बढ़ाओ, उस राइटिंग कैपेसिटी को विद इन द टाइम आप कंप्लीट करो. माना कि 1 hour लगते हैं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री सॉल्व करने में जो बताया है. देखिए एक टीचर लेक्चर में मुझे नहीं लगता स्टूडेंट्स इतना पढ़ा देता है कि आप उसको घर जाकर 1 hour में नहीं कर सकते. जब टीचर 1 hour में सिखा सकता है तो स्टूडेंट्स भी तो 1 hour में कर सकते हैं उसको. टीचर ने तो उसको सिखाया है, सिखाने की बच्चे वैसे आसान हो जाती है. तो अगर ये चीज़ नहीं हो पाती है तो आपके सामने क्लॉक होता है, दीवार घड़ा, जैसे कि अभी बिहाइंड मी मेरे पीछे दीवार घड़ा लगा हुआ है. तो आप अपने सामने ऐसी जगह बैठिए जहाँ दीवार घड़ा लगाओ सामने. यूजुअली मैं इसको फॉलो करता हूँ, इस ट्रिक को, ये ट्रिक कह सकते हो या फिर मेथड ऑफ हाउ टू लर्न, हाउ टू मैनेज टाइम का जो प्रोसेस है, मैं इसको यूजुअली प्रैक्टिकली करता हूँ इस चीज़ को, कि मैं क्लॉक के सामने बैठता हूँ और जो चीज़ें मुझे लर्न करनी होती हैं, जो चीज़ें मुझे पढ़नी होती हैं एडिशनल, जो कुछ भी अपने एक एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट के लिए या फिर लाइफ बेटरमेंट के लिए जो भी मैं एडिशनल पढ़ता हूँ जो भी है, तो मैं घड़े के सामने बैठ जाता हूँ, दीवार पर खड़ा होता है और अपने आप से कमिटमेंट करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि मेरे पास इतना टाइम है. अभी 1 o'clock हुआ है और ये मिनट का जो हैंड है ये सर्कुलेट होकर यहाँ तक आएगा, तो यानी कि 15 minutes, जब इट यू कैन से दैट 1:15 हो जाएगा, है ना, यू कैन से दैट 1:15 जिसको आप यूजली बोलते हो, जब 1:15 होगा, तो 15 minutes के दौरान, इस ड्यूरेशन के दौरान, ये 15 minutes जो है, मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का कॉन्सेप्ट चाहिए. और जब मैं अपने आप को एक छोटे से गोल के अंदर बांध लेता हूँ ना, कि मुझे नहीं पता, आई डोंट नो अबाउट इट दैट, कि मुझे 15 minutes में इतना कॉन्सेप्ट चाहिए क्लियर. और अपने आप से जब इंसान कमिटमेंट करता है तो वो कभी झूठा नहीं होता गाइज, क्योंकि दूसरों से कमिटमेंट, दूसरों से प्रॉमिस किया, हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को हम चीट कभी नहीं करते हैं. और जो इंसान अपने आप को भी चीट करता है, तो आई डोंट कंसिडर दैट इज सोशेबल पर्सन. ओके, तो फिर आप देखिए आपकी लर्निंग स्पीड बढ़ जाती है और आप डेफिनेटली विद इन टाइम जो आपने सेलेक्ट किया उस टाइम के अंडर आप उस चीज़ को डेफिनेटली अंडरस्टूड कर लेते हो या उस पर अपनी स्ट्रॉन्ग जो आपकी ग्रिप हो बना लेते हो गाइज. तो ये एक छोटा सा एक प्रोसेस है, इसको आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है तो आप कीजिए कि अगर 1:30 का टाइम है, 30 minutes मेरे पास है, 30 minutes में मुझे ये कॉन्सेप्ट करना है, तो आप डेफिनेटली आपकी लर्निंग स्पीड बढ़ जाएगी. जैसे जैसे घड़े की सुई का टाइम बढ़ता जाएगा, वो अपना चक्र पूरा करती जाएगी, अपना सर्कल पूरा करने के लिए बढ़ रही है, वैसे वैसे आपकी हार्ट बीट, आपकी लर्निंग कैपेसिटी, आपका पोटेंशियल, वो आपको कोऑपरेट करेगा और आप उसको विद इन द टाइम दैट यू हैव गिवन योर सेल्फ, तो उसी टाइम में आप उसको लर्न कर लोगे. ये आप कभी एक्सपेरिमेंट करके देखना. तो फिर वो लर्निंग कैपेसिटी कहाँ से आ जाती है, फिर वो लर्निंग एबिलिटी कहाँ से आ जाती है. यदि आप किसी से बैट लगाते हो कि मैं इतने टाइम में इस चीज़ को कवर कर लूँगा, तब आप उस चीज़ को कवर कर लेते हो, तो वो पोटेंशियल कहाँ से आता है. पोटेंशियल हमेशा रहता है इंसान में, वो सिर्फ और सिर्फ चाहता नहीं है कि मैं इस काम को करूँ, वो अपने आप को कहीं ना कहीं इल्यूजन में रखा हुआ, उसको लगता है कि ज़रूरी नहीं है, उसको पोस्टपोन करने की आदत पड़ी हुई है इंसान को. तो ऐसे छोटे छोटे गोल बना के, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करके आप अपने जो होमवर्क है उसका टाइम मैनेज कर लोगे. और जब होमवर्क का टाइम मैनेज हो जाता है गाइज, तो फिर जो बचता है वो सब एडिशनल टाइम,
और अगर मैं शॉर्टली आपसे बात कहूँ तो ऐसा ये सिर्फ इट इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़ टू हाउ टू मैनेज टाइम. जब आपको पढ़ना है, आपके अंदर बर्निंग डिज़ायर है, आपको लाइफ में सफल होना है, तो मैनेज करें कैसे टाइम को, ये सब एक आई थिंक दैट एक नॉनसेंस फ्रेज बन जाता है इन माई साइट. मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देता कि हाउ टू मैनेज टाइम, क्योंकि जब मुझे पता है मुझे लाइफ में क्या करना है, मुझे कहाँ तक जाना है, मेरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जर्नी है, मुझे गोल अचीव करना है, तो इसमें मैनेज टाइम का क्या प्रॉब्लम है. अगर आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आप पर फैमिली की जिम्मेदारी है, बहुत सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिफरेंट काइंड ऑफ, आप काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हो, तो मैं मान सकता हूँ कि ये जो टाइम है ये आपको मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. लेकिन स्टूडेंट्स की लाइफ में काहे का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस चीज़ का जिम्मेदारी है उसकी लाइफ में? पढ़ने के सिवाय कोई जिम्मेदारी है नहीं उनकी लाइफ में. लेकिन एक्सक्यूजेज बहुत आते हैं कि सर कैसे हो पाएगा ये सब चीज़ें, टाइम नहीं मिलता है. अरे आपको टाइम नहीं मिलता तो हमें तो मिलना ही नहीं चाहिए टाइम. हम ये इंस्टीट्यूट है ये कोचिंग का मेरा, मैं इसको भी मैनेज करता हूँ, मतलब यहाँ आता भी हूँ, मैं संभालता हूँ, बच्चे आते हैं उनको मैनेज करते हैं, और काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कैसे बच्चों को हैंडल करना है. उसके बाद फैमिली को मैनेज करना होता है, राइट? काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, और फेस्टिवल भी होते हैं, उनको सेलिब्रेट करना होता है, और फेस्टिवल में जिनको हम इनवाइट करते हैं उनको एक हैप्पीनेस प्रोवाइड करना होता है, सेटिस्फेक्शन भी उनको प्रोवाइड करना होता है. कितना ज़्यादा एक सोशल प्रेशर होता है, कितना ज़्यादा इकोनॉमिकल प्रेशर होता है, उसके बावजूद भी अगर हम डिसाइड कर लें कि मुझे आज यहाँ से वहाँ तक इतना कवर करना है इस टाइम के दौरान, तो आज मैं उसको कवर कर लेता हूँ. जब एक रिस्पॉन्सिबल इंसान ये काम कर सकता है, तो स्टूडेंट्स व्हाई डू यू मेक एक्सक्यूजेस? प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड योर पोटेंशियल, बिकॉज योर गोल इज़ बिफोर यू एंड यू हैव टू क्रॉस दिस स्पेस, यू हैव टू कवर दिस डिस्टेंस. And your, if your goal is before and in front of your eyes, then you have to move ahead. Okay? Then you will get that goal. अगर आप life में सच में सफल होना चाहते हो guys, तो ये कहना बंद कर दो how to manage time. ये अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी, क्योंकि time ही time है. आपको कहाँ से manage करना है time? आपको तो time ही time है. सोने का time को अगर आप छोड़ दो, मतलब सोने का time तो आपका है ही, सोने के time को हटा कर सारा time आपका पढ़ने का ही तो है. और आपको कहाँ कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है, कहाँ मतलब अपनी प्रेजेंस शो करनी है. अब देखिए, अब आपको सर इतना फेडअप हो जाते हैं पढ़ने से. देखिए, पढ़ाई से कोई फेडअप नहीं होता है. जब आप पढ़ाई को एंजॉय करना स्टार्ट करोगे ना, पढ़ाई एक ऐसी जर्नी है, एक ऐसा यू कैन सी दैट एक टूरिस्ट प्लेस आप कह लो, कि आपकी आँखों के सामने आपका गोल एक टूरिस्ट प्लेस है जहाँ टूरिस्ट जाते हैं. वो टूरिस्ट जो कि डिज़ायरस हैं, देखिए टूरिस्ट कौन होते हैं, जो उस जगह को देखने के लिए काफ़ी इच्छुक हैं. तो आपका जो गोल है वो एक टूरिज्म प्लेस है, एक टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पर टूरिस्ट जाते हैं. तो उस जर्नी को आप इन्जॉय कीजिए, डेफिनेटली इन्जॉय कीजिए, और देखिए फिर आप कैसे सफल नहीं होते हो. जब आप अपनी एजुकेशनल जर्नी को एक बोझ समझ लेते हो ना, एक प्रेशर समझ लेते हो, क्योंकि आप खुद उसको नहीं करना चाहते, आप पेरेंट्स के प्रेशर में सॉल्व कर रहे हो चीज़ों को, पेरेंट्स के प्रेशर में पढ़ाई चल रही है, तो फिर तो आप उसको नहीं कर पाओगे. लेकिन यदि आप इंटेंशनली उसकी वैल्यू समझ चुके हो, इंटरनली आप उसको फील कर गए हो कि मुझे अभी से पढ़ना स्टार्ट करना है और लाइफ में इस गोल को अचीव करना है, और अपने आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उसको चेंज करना है, अपनी आइडेंटिटी बनानी है, अपने आप को प्रूव करके दिखाना है, और पेरेंट्स का हेल्प करना है, उनके ड्रीम पूरे करने हैं, तो फिर ये सब बहाने दूर हो जाएंगे गाइस कि कैसे समय निकलेगा. तो फिर आप देखना आपकी लर्निंग स्पीड कैसे बढ़ती है, और कैसे आप अपने जो गोल्स हैं उनको विद इन टाइम पूरा करते हो. पहले छोटे छोटे गोल बनाओ कि मुझे इतने महीने में इतने पेजेस कवर करने हैं, तो वो छोटे छोटे गोल बड़े बड़े गोल में कन्वर्ट हो जाएंगे. तब एक दिन आप उस पूरी बुक को विद इन टाइम भी कवर कर लोगे. तो सारा टाइम आपका होता है, सिर्फ एक बर्निंग डिज़ायर बनाइए, बर्निंग डिज़ायर पैदा कीजिए, टाइम खुद ब खुद मैनेज हो जाएगा. स्टूडेंट्स, हम किसी पार्टी को अटेंड करने का टाइम मैनेज कर लेते हैं, किसी मैरिज पार्टी को अटेंड करने का टाइम मैनेज कर लेते हैं, दोस्तों से मिलने का टाइम मैनेज कर लेते हैं, खेलने का टाइम मैनेज कर लेते हैं, तो पढ़ाई का टाइम मैनेज करने में कहाँ से प्रॉब्लम आती है, मुझे समझ नहीं आता है. सब कुछ हमारे माइंड का गेम होता है. जिस चीज़ को हम इम्पोर्टेंस देते हैं ना, उसी का टाइम मैनेज हो जाता है, और जिसको हम इम्पोर्टेंस कंसिडर नहीं करते हैं उसका टाइम मैनेज नहीं होता है. और आई थिंक दैट एजुकेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग इन आर लाइफ दैट इज़ नॉट, हो ही नहीं सकता कि एक स्टूडेंट की लाइफ में लर्निंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी हो. तो प्लीज़ ये एक्सक्यूजेस, ये मेकिंग स्टोरीज और ये सब चीज़ें प्लीज़ रिमूव एवरीथिंग दैट इज़ पुटिंग यू कैन सी दैट यू इन ए सस्पेंशन
criteria, and that is you can say that making you upset, and you can say that is making you bored. So please avoid everything and focused at one direction, and please try to identify your own potential, your identity. Please try to make your identity, make your name, and change your ways how to manage time and how to solve these given things within time. So everything will help you if you are really intentionally ready to change something in your life, so that everything will support you. मुझे लगता है आप एक कदम आगे बढ़ाइए. ये जो प्रकृति है ना, हमारे आसपास का जो वातावरण होता है, इंसान एक स्पेसिमेन है, एक एग्जाम्पल है, एक द बेस्ट एग्जाम्पल है प्रकृति का, इस नेचर का. तो हमारे अंदर वो सभी के सभी पोटेंशियल, वो सभी एनर्जी, यू कैन से दैट, जिनका हमें ज़रूरत होता है अपने आप को यू कैन से दैट फिट रखने के लिए या फिर लाइफ में सर्वाइव करने के लिए, वो सारी चीज़ें एक एनर्जी की फॉर्म में हमारे अंदर होती हैं, ठीक है ना. तो आप उसको बस यूटिलाइज़ करना सीख जाइएगा. अपने आप को डायरेक्शन दो और अपना टाइम खुद मैनेज करना. आप किसी के टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर सकते हो, ठीक है ना. किसी का टाइम टेबल फॉलो नहीं करना आप लोगों को. आपको अपना खुद का टाइम टेबल बनाना है. जब आप सफल हो जाओगे ना, तो आप अपने टाइम टेबल को हाईलाइट करोगे कि देखिए मैंने इस टाइम टेबल में ये काम किया. तो फिर आपसे लोग पूछना चाहेंगे, क्या ये टाइम टेबल फिक्स है, क्या हर व्यक्ति इसी टाइम टेबल में सफल होगा. तो फिर आपको यही कहना होगा कि नहीं, ये इंडिविजुअल टाइम टेबल है, ये मेरे अकॉर्डिंग है, मैं इसमें सफल हुआ हूँ. आपको जो टाइम सूट करता है उसमें आप सफल हो सकते हो, क्योंकि आपकी पोटेंशियल को आप पहचानते हो. मैं नहीं पहचानता उस चीज़ को. मैंने अपनी पोटेंशियल को पहचाना और उसके हिसाब से टाइम सेट किया और मैं सफल हो गया. और ऐसा ही होता है. तो फिर आप टाइम टेबल मैनेज, मैं आज आपको बता दूं कि आप टाइम को ऐसे मैनेज कीजिए, इतने घंटे वो काम कीजिए, इतने घंटे वो काम कीजिए, और इतने घंटे आप अपनी लर्निंग को दीजिए, इतना राइटिंग को दीजिए, और इतने टाइम में आप फिजिक्स कीजिए, इतने टाइम में केमिस्ट्री कीजिए, इतने में इंग्लिश का कीजिए, इतने में कॉम्पिटिशन का प्रैक्टिस सेट लगाइए. उससे क्या होगा, वो तो अकॉर्डिंग टू मी है ना, वो तो अकॉर्डिंग टू मी है. जिस टाइम को मैं प्रेफर करता हूँ तो मेरे हिसाब से हुआ, आपके अकॉर्डिंग कैसे हुआ. तो हर बच्चा अपना टाइम खुद मैनेज कर सकता है, और मैनेज करने जैसा कुछ होता नहीं है. कितना ही पढ़ लो आप, जब आपकी हंगर ऑफ स्टडी बढ़ जाती है तो फिर पढ़ते रहो. आपको कौन मना कर रहा है, आपको कौन कहता है कि मत पढ़ो. जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट आपका, ज़्यादा रुचि आपकी है, उसको आप ज़्यादा टाइम दो, ठीक है. और जिसमें इंटरेस्ट कम है उसमें इंटरेस्ट डालो अपना. तो ऑल ओवर बात करें, एट लास्ट फाइनली कॉन्सिक्वेंटली दैट टाइम मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोसेस, इज नॉट अ यू कैन से दैट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक एंड टाइटल, इट इज अ फ्रेज, एंड आई डोंट कंसीडर दैट इज इट इन इट सेल्फ सच टाइप ऑफ फ्रेज हैज इट्स ओन एग्जिस्टेंस इन माई साइट, दैट इज नॉट. ये सिर्फ ना एक वीक हर्ट पर्सन जो होते ना, नहीं बिल्कुल भी ऐसा तो कुछ सोचना ही नहीं कि हाउ टू मैनेज टाइम. जो स्ट्रॉन्ग पर्सन है ना, वो कभी ऐसा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करती नहीं है कि टाइम कैसे मैनेज करना. आप अपने टाइम को खुद मैनेज करोगे. यू आर द रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर टाइम मैनेजमेंट, ठीक है. हाँ, मानता हूँ कि इतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है, ठीक है, एज फैक्टर के हिसाब से. तो उसके हिसाब से हमको लगता है कि हम किसी के एक वेटरन पर्सन या किसी स्कॉलर या किसी एक्सपर्ट व्यक्ति से इस बारे में राय ले लें कि टाइम मैनेज करना है. आप किसी से राय भी मत लेना, टाइम मैनेजमेंट जैसा कुछ नहीं होता है. जितने आज तक सफल हुए हैं लोग, उन्होंने टाइम मैनेजमेंट के बारे में किसी से कोई ओपिनियन, कोई सजेशन, कोई एडवाइस नहीं लिया है, क्योंकि ये कोई फैक्ट नहीं है, ये कोई टॉपिक नहीं है ऐसा कि हम मैनेज कैसे करें, और इसके बारे में आप कोई बता भी नहीं सकता है, ठीक है. आप एक्सपेक्ट करना ही बंद कर दीजिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट सबका इंडिविजुअल होता है. 24 आवर्स सबको इक्वल मिलते हैं, लेकिन उनको कैसे मैनेज करें ये सबके लिए डिफरेंट होता है, इंडिविजुअल होता है. ये टाइम मैनेजमेंट हमारी एबिलिटी, हमारी कैपेसिटी, हमारे पोटेंशियल, हमारी एक जो एनर्जी, उस पर डिपेंड करता है. और एनर्जी लेवल सबका अलग अलग होता है, तो उसके हिसाब से टाइम मैनेज आप कर सकते हो, ठीक है. यदि आपका गोल आपके सामने है, आप एक्चुअली सक्सीड करना चाहते हो, गोल को अचीव करना चाहते हो, तो फिर आप खुद अपना टाइम डिज़ाइन कीजिए, और एक दिन आप सफल होगे, और फिर आप कहोगे कि आई फॉलो दिस टाइम टेबल. और आप लोगों को एडवाइस भी दोगे कि प्लीज़ डोंट ट्राई टू फॉलो माई टाइम टेबल, दिस इज़ अकॉर्डिंग टू मी, एंड वॉट विल यू डिज़ाइन दैट विल बी अकॉर्डिंग टू यू. ओके, तो ये रहता है गाइज. आई होप दैट आपको समझ आ गया होगा. और देखिए, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग की जो एबिलिटी, उसको डेवलप करना होगा, क्योंकि आपको लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है. तो गाइज, आज के लिए इतना ही, इनफ है, ओके. और उम्मीद करता हूँ कि अब आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा. फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स का फैसिलिटी आपके पास है, आप कमेंट बॉक्स में अपना जो कमेंट है वो डाल सकते हैं, और मुझसे उसके बारे में जितना, जिस हद तक मैं जानता हूँ, आई डोंट से दैट आई एम सो मच एक्सपर्ट,
ओके लेकिन जहाँ तक मेरी एबिलिटी, जो ब्रेन का एबिलिटी कैपेसिटी जो काम करता है, जहाँ तक मैं आपको बता सकता हूँ, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। और ये फैसिलिटी जो कमेंट का है उसको आप प्रयोग कर सकते हो, ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।